ड्रामा सीरियल एक सितम और के आज के एपिसोड की बात की जाए तो आपको बताते चले कि सबसे पहले तो ज़ैनब ने अपने भाइयों के घर जाकर उन्हें खूब करी करी सुना दी। उसके बाद उषना को अपना फ़ैसला सुनाने का कह दिया। तब उषना ने भी कहा कि जो अम्मी का फ़ैसला होगा वही मेरा फ़ैसला होगा। और इसके बाद सुफियान ने पूरी कोशिश की कि वह पप्पू और उषना को मना सके, लेकिन शायद वो नहीं कर पाया। ज़ैनब के भाई उसके सामने हाथ जोड़ते हैं कि हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं, अपने भाइयों के जुड़े हुए हाथ देख लो, वहाब साहब ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारा सारा बिजनेस डूबने वाला है, उन्हें कहो हमें माफ़ कर दे। इस बात पर ज़ैनब कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। और फिर वो लोग जब घर आते हैं तो यहाँ पर ज़ैनब कहती हैं कि मैंने उषना को बड़ी मोहब्बतों से पाला है, लेकिन जब उसे हकीकत का अंदाज़ा होगा, हकीकत खुलेगी तो उसे बहुत तकलीफ़ होगी। और जब निकाह नामे में असली बाप का नाम सामने आएगा तो तब उषना की हालत देखने लायक होगी। आपको बताते चले कि यहाँ पर ज़ैनब की ये कही हुई बात ज़ैनब तो नहीं जानती, लेकिन उषना ज़रूर सुन लेती हैं। और ये बात सुनकर तो हैरानगी होती हैं, ये सब क्या हो रहा है, क्या बाकी इम्तहान कम थे जो एक और बड़ा इम्तहान उसके सर पर आ गिरा।